मालिक साहब आपकी क्या हिडन टैलेंट है, हमें जरा बता दें। बहुत है, वो बताने वाले नहीं है वैसे टीवी पे। सबसे बड़ा ऐसे दोस्तों को बर्दाश्त करना। ये बड़ा बड़ा सब्र अयूबी चाहिए, मजाक नहीं है। ये सितारा पढ़ने में थोड़ी देर, खाना पकाने में आधा घंटा, 40 साल है लोगों ने बर्दाश्त करना है। बड़ा मेरा जो सब्र अयूबी है, ये मेरा हिडन टैलेंट है। और मेरा ख्याल है इसके बाद कुछ जरूरत नहीं और नहीं। रियली मैं मेरा कोई टैलेंट शैलेंट हिडन नहीं है। मैं जिंदगी बस चिल डॉट कॉम हूँ। मैं जिंदगी को जरा चिल तरीके से लेने में बिलीव करता हूँ। आई एंजॉय टाइम विद माई चिल्ड्रन। जाहिर है मेरे आई हैव बीन ब्लेस्ड विद 3 बॉयज, सो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तीनों बड़े स्मार्ट हैं, बड़े डिसेंट बच्चे हैं। दे स्मार्ट, वेल एजुकेटेड, माशाल्लाह। एंड आई एम प्राउड, आई एम वेरी प्राउड टू हैव किड्स लाइक दैट। और ईद पे साथ होते हैं। हाँ, यार बच्चे जवान हो जाए तो उनकी मेहरबानी होती है, आपको आधा घंटा दिन में दे दें। मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत सीब कहते थे, वो एक बड़ी मजेदार बात कहते थे। वो कहते थे असी अपनी औलादा जमी है, तुसी अपने प्यो जमे ने। Which is true. ये हमारी औलादें तो हमारे बाप लगती है, हम इनके पीछे होते हैं, टाइम दे दो, ये कर दो। बट दे हैव देयर ओन लाइफ, द यंग बॉयज ना। तो आई थिंक मेरा तो आई एंजॉय टाइम विद माई फ्रेंड्स। And nothing specific. कोई ऐसा शौक नहीं है जो एक आप फारिग टाइम में आप कहें कि आप मालिक साहब जो भी करते हैं बड़े शौक से ही करते हैं। ये मजा क्रिएट कर ही लेते हैं। मुझे आउटडोर्स का शौक है, लाइक ट्रैवलिंग, मूविंग अराउंड, ये वो। मुझे कमरों के अंदर बैठ के सांस रुकता है। आई एम एन आउटडोर पर्सन। और मालिक साहब इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, हम भी थोड़ा सा आउटडोर जाते हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और थोड़ी सी और गपशप करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे इन ये इतने अच्छे गेस्ट्स हैं जिनको आप रोज मिलते हैं, उनकी पर्सनालिटी की और साइड्स क्या हैं, और एज ए ह्यूमन इनके साथ रिलेट करना कितना इंटरेस्टिंग है। मैं तो करती हूँ, आप लोगों को भी मौका मिल रहा है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। और यहाँ ब्रेक में बड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीज रिवील की है अनिका ने, मालिक साहब भी परेशान हो गए थे। अनिका, क्योंकि हम पिछली ईद पे भी इकट्ठे थे और चिट चैट हमारी, तो अभी आप एडिशन है, आप बताइए कि आप इन तीनों को इस चैनल से पहले कैसे जानती हैं, स्पेशली मालिक साहब के साथ आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस हुआ हो या वो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप शेयर करना। मैं तीनों को ही इससे पहले एक चैनल पे काम किया करते थे, 92 न्यूज़ पे। अच्छा, वहाँ से जानती हूँ। कलासरा साहब अक्सर किताबें रेफर किया करते थे कि ये किताब पढ़ो, ये किताब अच्छी है, ये किताब के अभी भी करते हैं। वो उस सेंस में आमिर मतीन साहब के साथ एक मजाक वाला अच्छा रिलेशनशिप। अच्छा, बिरयानी पुरानी, बिरयानी पुरानी चल रही है, उन्होंने पुराने चैनल से पकड़ी हुई है। मालिक साहब के साथ मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग फर्स्ट एनकाउंटर था, वो मैं टीवी पर बात नहीं करूंगी, लेकिन वो बड़े गुस्से में थे, अपने शो के लिए जा रहे थे। मालिक साहब शदीद गुस्से में थे अपनी टीम पर, कोई गेस्ट लेट हो गया था और बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे, और मैं अपना शो करके फारिग हुई थी। आई वाज लाइक ओके, व्हाट इज हैपनिंग। गाली गोली तो उस तरह नहीं होगी। देखिए मैं बताऊं, मेरे जितने मेरा टीम है, आई थिंक मेरे साथ उनको 8-9 साल हो गए, ज्यादा हो गए। दे आर लाइक किड्स टू मी, जिस तरह बिल्कुल बच्चों की तरह है। अब ये मेरे प्रोड्यूसर हैं फॉर एग्जांपल सज्जाद भट्टी, ये दोनों जानते हैं, हम सारे डांटते हैं उसको, ये भी डांटते हैं, ये भी डांटते हैं। ही इज लाइक ए यंगर ब्रदर। तो जिस तरह आप कई बार ही अपने बच्चों पे या छोटे भाइयों पे गुस्सा करते हैं, उस तरह इनको भी डांट पड़ जाती है। मैं बिल्कुल आपको गलत आपने आपने उनको मुझे एक्सप्लॉइट करते हुए भी नहीं देखा हुआ ना, वो मुझे कितना एक्सप्लॉइट करते। अच्छा नहीं, इसकी तो मैं विटनेस हूँ, क्योंकि मैंने भी, मुझे भी इत्तेफाक हुआ मालिक साहब के साथ इससे पहले एक चैनल पे काम करने का, और मालिक साहब वाज वेरी, यू नो, मुख्तलिफ तरह के बॉसेस थे, ही वॉज वेरी कूल हेडेड। हमने कभी उनको इस तरह से गुस्से में देखा नहीं, लेकिन डेफिनेटली काम हम लोगों का जिस तरह से काम है, कभी कभी बीपर भी लें और मालिक साहब अगर कोई उल्टा सीधा सवाल कर दें तो मालिक साहब फिर कह देते थे, बीबी ये आप मेरी बात ना काटे दरमियान में। बट दैट्स, यू नो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, वेरी डिफरेंट फील दैट वी आर पार्ट ऑफ। ये प्रोफेशन नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। तो वो लाइफस्टाइल जब आपको पूरा दिन, यू नो, एक तो अपडेट रहना होता है, ऊपर से आपको सोर्सेज के साथ भी कनेक्ट रहना होता है एंड एवरीथिंग, तो इट डज गेट टू यू एट पॉइंट्स। वी आर बट ह्यूमंस, और आज हम ह्यूमंस लोग रियलाइज नहीं करते। मैं एक बात कहूं, लोग रियलाइज नहीं करते कि ये ऐसा प्रोफेशन है, इसे डिटैच होना बड़ा मुश्किल है। छुट्टियों में भी आप डिस्कनेक्ट नहीं होता आपका, आप घर भी बैठे हुए हैं तो अच्छा यार हेडलाइंस का चल रहा है, मां-बाप बैठे हैं, यू नो, इट बिकम्स
अनिका ने थोड़ी देर पहले कहा कि जी मेरे द टू साइड्स टू माय पर्सनालिटी के एक बड़ी प्रोफेशनल और एक पर्सनल. मैं यही सोच रहा था कि हमारा ग्रे एरिया बड़ा ज्यादा है कि कहाँ एकदम जाके घर जाके स्विच ऑफ करके आप पर्सनल और यहाँ आते प्रोफेशनल. हमारा तो ये 24 आवर जॉब है. आप हर वक्त ख्वाब भी सियासी आते हैं और अल्लाह भरे भला करे सियासतदानों का कि एक तो अच्छी बात है कि बड़े लोगों में सियासी शऊर आ गया है, पर पहले से अब फ़र्क ये आ गया है कि ये ईद है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ईद भी इतनी सियासी हो गई है. पहले होता था एक मोहल्ला होता था या एक गांव होता था, वो एक पार्टी की तरफ या दूसरा होता था. अब इन्होंने घर में लड़ाई करवा दी है. अब बाप बेटे के ख्यालात ही मिलते हैं, मियाँ बीवी के ख्यालात ही मिलते हैं. इतनी घरों में पोलराइजेशन चली गई है. ये बात कह रहे हैं, पिछले दिनों जब ये सारा सीन चल रहा था, अभी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, अलायंस अभी नहीं बन रहे थे, कभी चौधरी इधर जा रहे इधर जा रहे. मैं याद है एक खाना मैंने खाया, मैं काशिफ अब्बासी थे, PMLN वालों से खाना खाया हमने जी, बिल्कुल तस्वीरें वगैरह, वो ट्विटर पे ट्रोलिंग शुरू. अच्छा, उसे अगले दिन PTI वालों के साथ खाना खाया, उसकी कोई ट्रोलिंग नहीं हुई. तीसरे दिन मैं चौधरी परवेज लाइवरा के साथ था, भी हमारा काम है जाना, इससे खबर ले, इससे खबर ले, यू आर मीटिंग एवरीवन. इतनी पोलराइजेशन होगी कि अब आपको मिलना किसी से, हमें किसी के साथ खाना खाना जो ना वो भी जुर्म बन गया सबसे ज्यादा. लेकिन मेरा ख्याल है मुसीबत पड़ी हमारे घर वालों को. अच्छा, आप TV भी बंद कर दें तो ये कमबख्त फोन है जो आपके हाथ में, इस पर सोशल मीडिया चल रहा है, आप ट्विटर भी देख रहे हैं, वो चीज़ें भी देख रहे हैं. देर इज डिसकनेक्ट नहीं हो पा रहा. मैं खुद अपने आप को रियलाइज करता हूँ कि इट बिकम्स सिकनिंग एट टाइम्स. और मेरा ख्याल है जो हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो गई हुई है, बड़ी एडवर्स तरीके से नेगेटिव इफेक्ट है. वी ऑल नीड एन एक्चुअल डीटॉक्स, मतलब हमें यू नीड अ डीटॉक्स. दिल मेरा दिल कहता है कि ऐसे तो मैं इसलिए आउटडोर इसलिए रिलीफ हो जाती है. मेरा दिल है लिटरली, मैं और आमिर भी उस दिन बात कर रहे थे, हम एक और हमारे शाह साहब दोस्त हैं, हमने कहा यार 4 दिन के लिए कहीं चलते हैं, छोड़ो सारा कुछ, बंद करो फोन, लेट्स जस्ट गो समवेयर, 4 दिन हुआ है और एब्सोल्यूट डिस्कनेक्ट करो, कुछ तो दिमाग अंदर करो. मालिक साहब, वो जो डिस्कनेक्ट करने के टाइम पर आप 4 दिन गुजार रहे होते हैं, उसके अंदर भी आपको कई दफा ख्याल आता है कि पता नहीं क्या चल रहा होगा, तभी होगा आपके ऐसी जगह हो ना फोन हो ना कुछ हो, अनक्लटर करें, मतलब के क्लासेस. साहब ये बताइए आपको क्या मेरी अम्मी कहती है, मैं अब जुरत करके ये कह देती हूँ, खैर है टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, यू नो इट्स अ लाइट मोड शो, कि यूजुअली अम्मी मेरी बहुत सुनती है एंकर्स को, आजकल वैसे हर घर में सुना जाता है, तो वो कहती है कि ये जो रऊफ क्लास है नहीं, बहुत गुस्से में होते हैं, तो जब हंसते हैं क्लासेस साहब ड्यूरिंग द शो, कहती है लेकिन इसकी स्माइल बिल्कुल बच्चों वाली है, ही हैज एन एंजेलिक स्माइल, जब हंसते हैं तो वाकई ऐसे लगता है कि क्लास साहब के जब गार्ड्स डाउन होते हैं ना, देन ही इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मूड. क्लास साहब ये बताएं, डिस्कनेक्ट करने का मौका मिलता है विद दिस, यू नो ये एक जो पॉलिटिकल हम हर वक्त देख के ऑस में होते हैं, क्लास साहब एंड डू यू टेक अ टाइम, एक बच्चा है वो कभी देखा है जो बच्चा सड़क के किनारे होता है हर बंदे को पत्थर मारता है? नहीं, गड्डी लगी रोड़ा मारता है, घोड़ा लगे रोड़ा मारता है, बच्चा बच्चा ही होता है, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं. क्लासेस साहब वो हमारे वो बच्चे हैं, स्माइल भी होती फिर वो रोड़ा मार के और हंसता है जब बच्चा है. बहुत शुक्रिया पहले का और ज्यादा मुसीबत होगी. बहुत शुक्रिया उनका, बड़े आई एम ग्रेटफुल टू हर. एक चीज है जो आप इस पे कह सकते, बहुत सारे लोग जो हमें ये बात कहते होते हैं, मुझे कहते होते हैं कि अब टीवी पे ज्यादा सीरियस होते हैं, अब इसको क्या करें, इट्स अ डैम सीरियस बिजनेस कि आप उस पर पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल शोज हो रहे हैं. अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम रहा है, आमिर भाई भी आप उसको आके ज्यादा करते हैं, जब आप कोई स्कैंडल ब्रेक कर रहे हैं, स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ करना पड़ता है, ताकि आपकी बात में जो आप कहना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, अगले लोग भी उसको सीरियस लें. आप किसी बड़े स्कैंडल को हंसते हुए कहेंगे या उसको एक्सप्लेन करेंगे जॉली स्टाइल में या थोड़ा सा कॉमिक स्टाइल में या रिलैक्स भी अगर आप बैठ के करेंगे, तो आम आदमी उसका इंपैक्ट नहीं लेता, उसका आगे उसको लगता है कि बस ठीक है, एक उसमें नॉर्मल सी बात ही होगी. और दूसरा, उसमें हमने ये देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्कैंडल स्टोरीज कर करके, और यहाँ पे इतनी ढिठाई से हमने करप्शन होते देखी है, इतनी ढिठाई से स्कैंडल होते देखे और लोगों को कुछ भी होते हुए नहीं देखा, ये आपके अंदर ना ऐसा ऐसा थोड़ी सी एक आना शुरू हो जाती है, एक उसको उसको क्या कहना चाहिए, बिटरनेस आती है. अच्छा, फिर आप यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोगों से लड़ रहे होते हैं, माफिया से लड़ रहे होते हैं, हुकूमतों से लड़ रहे होते हैं, वो आपको प्रेशर्स हैं, फिर आपके आके यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन हैं आपके, अगर
अगेन मेरी वाइफ कहती है, बड़ा अच्छा कमेंट कहती है, सम टाइम बहुत सारे कमेंट मेरे बारे में देती रहती है, अमर भाई और उनको पता है, एक और कमेंट देती है, कहते तू अगेन किस तरह के प्रोफेशन में है, रोज नए 20 तू यहाँ पे दुश्मन बना के आते डेली, और जिनको तू कभी नहीं मिला, तेरा कोई उनसे तल्लुक नहीं है, कोई तेरा वास्ता नहीं है, तेरा जाती तौर पर उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, कोई फायदा नहीं किया, लेकिन तेरी दुश्मन है और डेली की बुनियाद पर ऐड हो रहे हैं। अब हम अपने दिन ये कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अवाम के इंटरेस्ट के लिए, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए सारी हमने दुश्मनें निभाई हुई हैं, जॉबलेसनेस भी हमने यहाँ पे आ गई हैं, हमारी नौकरियाँ भी गई, हम भी गए। एक दिन बल्कि मज़े की बात हुई, आमिर भाई और मैं कराची जा रहे थे एयरपोर्ट पर, ये बड़ा मज़े का वाक्य सुनने वाला, तो वहाँ पर हम गए तो कोई आगे तीन चार जैसे होते हैं बड़े आगे इज्जत करते हैं, अगर अल्लाह उनको आगे इज्जत दे उनकी मेहरबानी, तो आए उन्होंने सेल्फियाँ ली हमारे साथ। तो उसके बाद जो ही वो गए तो आमिर भाई थोड़े से रिलैक्स थे, हम बैठे काफ़ी पीने बैठे वहाँ काफ़ी प्लेनेट पे, तो मैंने उनको देख के कहा, उन दिन हम बेरोज़गार हुए थे, किसी चैनल ने हाँ से हमें किसी हुकूमत के दबाव पे किसी पे हमें उन्होंने नौकरी से फारिग किया हुआ था, तो वो गए तो मैंने आमिर भाई को कहा मैं कि ये जो जा रहे हैं ना हमारे दोस्त जो सेल्फियाँ लेने आए थे इन्हीं की वजह से हम बेरोज़गार होकर सड़क पर आ गए। मैंने कहा कहते वो कैसे, मैं कह सर इन्हीं को खुश करने के चक्कर में हमने कहा हमने कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, हमने बिकना नहीं, हमने झुकना नहीं, ये हमसे मायूस ना हो जाए, ये देखे जो सेल्फियाँ लेके गए और जो हमें चढ़ाए रखते हैं फूक भरी रखते हैं, वाह वाह जी क्या बात है। मैंने कहा वाह वाह के चक्कर में हम सड़क पर आ गए, मैंने कहा और इन्हीं लोगों के चक्कर में। तीन दिन बाद आमिर भाई का मुझे फोन आया क्योंकि मार्केट में कहते दो तीन इनसे लोगों ने सेल्फियाँ ली, तो हाँ सास के बुरा कहते मैंने भी दो चार मिले नहीं थे जिनकी वजह सड़क पे आ गए। इनकी वजह से अभी ये जो हमारे व्यूअर्स हैं अभी मुआशरे में एक बहुत ही ज़्यादा मनफी रुझान ये हो गया है कि जिस तरह ये सियासत में इतनी ज़्यादा नफरत फैल गई है, मैं जो पोलराइजेशन कह रहा हूँ कि उसकी वजह से आपका ज़िंदगी तबाह हो गई है कि हर महफिल में जाके ये देखना पड़ता है कि लोगों से किसी से आपके ख्याल नहीं मिलते, अगर बात करना बड़ा मुश्किल हो कि आप कोई पीटीआई का फ़ैन है और वो ये समझता है कि आप पीटीआई के मुखालिफ हैं तो वो अपना फ़र्ज समझता है कि आपकी बेइज्जती भी करे और या आपको उलझाए। अब हमारी कोशिश होती है कि हर वक्त सियासत करते हैं, हर एक के साथ सियासी बहस क्या करनी, उन्होंने आपको इंगेज करना होता है, अगर आप अवॉइड कर रहे हैं ना वो फिर सवाल करेगा, फिर अगर नहीं करेगा फिर कहेगा मैं जो आपके ख्याल से बिल्कुल नहीं है, मेरी अम्मी तो बहुत ही आपको नापसंद करती है और पहले जो अम्मियाँ थी वो सियासी प्रोग्राम देखती थी, ड्रामे देखती थी, सियासी प्रोग्राम देखने जाती है, इसकी वजह से होता यह था कि जितनी ज्यादा सियासत होती है उतनी ज्यादा बहस होती है, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ जितनी ज्यादा सियासत होगी या उतनी ज्यादा बात खत्म हो गई, टॉलरेंस ही नहीं रही, आप डिस्कशन कर ही नहीं सकते बिकॉज हर कोई प्री कंसीव लेके बैठा हुआ और वो बड़ा पॉपुलर अंकल दोस्त है मेरा, तो उसने मुझे बड़ी अच्छी बात की, समटाइम मुझे उसकी बात ना बड़ी समझ में आती है, जब ये ट्विटर पे इधर उधर लोग ट्रॉलिंग कर रहे होते हैं गाली गलौज कर, मुझे उसकी बात बड़ी याद आती है, वो कई दफा मुझे कहते हैं वो कहते तू किस चक्कर में पड़ गया यार, तू आराम से लोगों को वही सौदा बेच जो बिकना चाहते हैं। उसने तीन चार और एंकर्स की मिसाल देते कहते कौन बारिश उसी में खुश रहती है, बांस पे चढ़ाई जो बल्ले बल्ले जिस लीडर के पीछे है, लीडर को उठाई जो व्यूज भी लो लाइक्स भी लो, उस पर ट्विटर पे आपके रिट्वीट्स भी होंगे शोज भी चलेंगे, और उसने कहा तूने हमेशा कोई ना कोई आके वो मार दिया आवाम की। लेकिन रौफ देखो मेरा मेरा इतराज क्या है, या आप अमरीका की तरह ना, या आप तो बन जाए फॉक्स न्यूज, आप कहें कि जी मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मेरा ये इशू नहीं है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर ठुक के जो मर्जी आप बात करें, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे रहा हूँ या मेरा एक ख्याल है सियासी और फिर उस पर आप स्विंग करें, ये प्रॉब्लम है ना। उसकी बात बड़ी डेप्थ थी, उसने ये कहा है कि कौम बड़ी खुश रहती है, इसको बेवकूफ बनाया जाए, इसको बांस पे चढ़ाया जाए, इसको हकायक से दूर रखा जाए, जिसके पीछे उसके भेड़ की तरह चल रही हैं, भेड़े जा रही हैं, जाने दो, आगे इनको रोकने की कोशिश ना करो कि आगे खाई है, इन्हें कहो आओ बिल्कुल उसी जगह पर जन्नत पड़ी हुई है। उसके कहने का मतलब ये था, उसने कहा मेरी पॉपुलरिटी की यही वजह है, जो आवाम चाहती है जो सौदा खरीदना चाहती है मैं आराम से उनको खरीद को रैप अप करके पेश करता हूँ, कहते मेरे ट्वीट देखो, रीट्वीट देखो, मेरे लाइक देखो, मेरे शोज देखो, आप जैसे लोग जब ने बड़ा मसला किया वैसे। वो खैर मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज ने ना उन्होंने बड़ा सोशल मीडिया पूरे अच्छा, अनीका अगर आप इजाजत देंगे पॉइंट हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, कुछ दरमियान में चाय वगैरह भी मंगवाते हैं और फिर ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं कि ये सोशल मीडिया ने किस किस तरह के प्रॉब्लम्स कर दिए हैं, हमारे साथ रहिए।